आरकेएचआईवी एड्स की तरफ से ये जो मेडिकल कैंप, जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा मेडिकल कैंप आयोजित करने का उन्होंने जो मानस बनाया है, उसमें मुझे कहा गया कि करीब करीब 2 लाख दिन भर में लोगों का मेडिकल चेकअप होगा और मेडिसिन्स, मुफ्त मेडिसिन भी बांटा जाएगा 3-3.5 करोड़ का। बहुत अच्छी शुरुआत है और इन्होंने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं, मुझे इसका पता है, और मैं चाहता हूँ कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा लें, और मेडिसिन तो खैर उनको मिलेगा ही, और सबसे बड़ी बात है कि उनका चेकअप हो जाएगा। चेकअप होने के बाद जो चेकअप के बाद जो बातें सामने आएंगी, उससे और भी ज़्यादा हायर लेवल पे उनका टेस्ट हो सकता है, और अगर किसी को कोई बड़ी बीमारी है तो वो भी सामने आ सकता है। बहुत बड़ा कैंप है और फ्री है, सबसे बड़ी बात है, इसलिए मैं सरकार की तरफ से, महाराष्ट्र शासन की तरफ से डॉक्टर धर्मेंद्र जी को, उनके सभी सरकारी को, यहाँ जिन्होंने आयोजन किया उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। के पी बख्शी साहब हमारे महाराष्ट्र के इतने बड़े अधिकारी के साथ साथ एक हमारे अच्छे दोस्तों में से भी हैं और हमेशा इनका सपोर्ट रहता रहा है, और मैं अभी सर ने अनाउंस किया कि आगे भी रहेगा, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि थोड़े से सपोर्ट से हम लोगों ने इतने लेवल, बड़े लेवल पे हमने कैंप किया, और सपोर्ट रहेगा तो हम कोशिश करेंगे इसे 2 लाख या हम 4 लाख तक भी जाने की कोशिश करें, और इनका हमेशा सपोर्ट रहना चाहिए, और मैं यही इनसे गुजारिश करूँगा। पालघर का उल्लेख कीजिए, पालघर में आपने जो किया। हाँ, पालघर में भी हमने जो इंटीरियर में सर ने गाइड किया था कि आप बॉम्बे में तो बहुत होता है, जो कि इंटीरियर पालघर नया नया डिस्ट्रिक्ट बना था, इसमें अगले साल हमने तकरीबन एक दिन में 18,000 से 20,000 लोगों को जा करके हमने तकरीबन काफ़ी सारी मेडिसिन दिया, और वहाँ 18,000 से 20,000 लोगों को, इंटीरियर के लोगों को चेक करके एक बहुत बड़ा हमने किया। आदिवासी इलाका है वो, बिल्कुल आदिवासी, एक्चुअली वो डिस्ट्रिक्ट ही आदिवासी डिस्ट्रिक्ट के रूप में ही किया गया है, जहाँ की किसी तरह की मेडिकल सुविधा अच्छी तरह से उपलब्ध नहीं है, वहाँ जाकर के हम लोगों ने तकरीबन, हमारे यहाँ से 400 से ज़्यादा डॉक्टर गए थे और 19,000 पेशेंट देखने में, और तकरीबन 80 से 85,000 की दवाई, 80 से 85 लाख की दवाइयाँ बांटने में हम लोग एक कारगर साबित हुआ। इसमें डायरेक्शन के रूप में सर का बहुत बड़ा योगदान है कि इन्होंने शुरू में आश्वस्त किया कि अगर उस इलाके में किया जाए तो वाकई में काफ़ी लोगों को बेनिफिट होगा। हालांकि यहाँ भी बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि काफ़ी गरीब यहाँ हैं, स्लम के लोग यहाँ हैं, तो मैं चाहूँगा कि बख्शी साहब के नेतृत्व में और भी हम लोग जहाँ जहाँ अच्छा लगे, हमारी टीम हमेशा तत्पर रहेगी वहाँ जाकर के काम करने के लिए। आप ये बताइए कि डॉक्टर्स वहाँ, जो आदिवासी इलाके में डॉक्टर्स नहीं रह पाते हैं, तो जिसकी वजह से सरकार की सुविधा जो है भी जी तो बहुत कम पड़ती है वो। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें इस तरह का जो आपका योगदान रहता है, जो आप कैंप लगाते हैं जी, तो जो लोग वंचित रहते हैं सरकार की सुविधा से, उनको आप सुविधा कैसे देते हैं वो बताइए। कि पालघर डिस्ट्रिक्ट अपने आप में, और जो जिस एरिया में हमने किया वो बिल्कुल ही इंटीरियर एरिया है, जहाँ की मच्छीमार एरिया है, और वहाँ डॉक्टर बिल्कुल ही नहीं पहुँच पाते हैं, और लोगों को मालूम नहीं कि अच्छी दवाएँ क्या है, और जो क्वालिफाइड डॉक्टर है वहाँ बिल्कुल नहीं पहुँच पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए हमने सोचा क्या कि उन लोगों को वाकई में मेडिकल की ज़रूरत है, और हमने वहाँ पहुँच करके हमारी टीम की मदद से एक बड़ा अच्छा, पिछले हम 15 अगस्त को हमने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया, और तकरीबन एक दिन में 19,000 पेशेंट देख करके वहाँ के लोगों को एक सुख सुविधा प्रोवाइड कराने में आरके और हमारी टीम की तरफ से बहुत बड़ा एक ये रहा, और हम ऐसे ही बख्शी साहब के मार्गदर्शन में हम ऐसे कोशिश करेंगे कि हम इस तरह के काफ़ी सारे मेडिकल कैंप और लगाते रहें। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर जी नो, और इस कैंप में जनरल हार्ट और मेडिकल केयर के लिए जुड़ा हूँ डायरेक्टर बोल के, पर बख्शी साहब के बारे में एक बताना चाहूँगा, बख्शी जी, कि हमारा जो हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है बम्बई में, उन्होंने एक ग्रीन कॉरिडोर किया था, तो हमारी जो मीटिंग हुई थी हमने देखा कि ये पुलिस बहुत अच्छे से हेल्प कर रही है जनता को, बट दिस वॉज अ गुड इनिशिएटिव, ये जो इस कैंप में आपने सपोर्ट दिया है, यू नो, राइट फ्रॉम ऑर्गेनाइजिंग एवरीथिंग आउटसाइड एंड द सिक्योरिटी हियर हैज़ मेड एवरीथिंग वेरी वेरी वेल डिफाइंड एंड इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर, सो थैंक यू सर, एंड आई एम श्योर पीपल आर यू नो गेटिंग द बेनिफिट, और फ़ायदा हो रहा है इसका, जितने ज़्यादा लोग आए, और धर्मेंद्र जी ने जो अच्छा एक वेंचर किया है उसको सक्सेस बनाया। पूनम जी, आप क्या कहना, अभी तक काफी लोग आ चुके हैं यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी होती है इस तरह के सक्सेसफुल कैंप को लेकर? कौन आया? आप बोलिए, आ जाइए।
मैं मतलब सबसे पहले तो धर्मेंद्र जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इतना बड़ा कैंप उन्होंने लगाया और इतना मतलब लोगों को इकट्ठा करने का इन्होंने विचार किया। और उसके बाद बख्शी साहब हैं और बीजेपी के जो है वो हैं और मनोज डॉक्टर साहब हैं, सब लोगों ने अपना मतलब इतने दिन दिए हैं। मुझे लगता है कि वैल्यूएबल डेज एवरी डे, आई हैव बीन हियर एवरी टाइम एवरी डे। एंड अगर मुझे लगता है कि बहुत सारे इतने लोग आए और सबको अगर कुछ फ़ायदा मिले तो ये फिर कैंप लगाने का बहुत अच्छा फ़ायदा है। एंड इस तरह के कैंप होते रहने चाहिए और जेन्युइनली लोगों को मदद मिलनी चाहिए, मेरा ये इच्छा है। सो आई गिव ऑल द बेस्ट टू द एचआईवी एड्स रिसर्च एंड फाउंडेशन एंड आई विल बी ऑलवेज देयर। थैंक यू सो मच। एक जानकारी आप लोगों को देनी थी कि अभी हाल ही में डॉक्टर एग्नी ने बताया कि डॉक्टर दीपक सावंत मंत्री जी, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी और उन्होंने ऐसा अपील किया था कि ग्रीन कॉरिडोर पुलिस की मदद से अगर बनाया जा सके तो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन में बहुत मदद होगी। इस सिलसिले में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी अभी फिलहाल करीब एक महीने पहले एक पुलिस कांस्टेबल, लेडी पुलिस कांस्टेबल के हस्बैंड का हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करना था और उसके लिए शासन की तरफ से काफ़ी मदद की गई और हम लोग औरंगाबाद से उसको ट्रांसपोर्ट करके बाई एयर ला कर, चार घंटे में आना पड़ता था, इसलिए ला करके वो ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हुआ है, ये एक बात है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हेल्थ डिपार्टमेंट, जो मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने अभी अभी मुझे इन्फॉर्म किया था कुछ दिनों पहले कि नागपुर में सरकारी हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांटेशन पहली बार सक्सेसफुल हुआ है, मैंने किया गया और सक्सेसफुल हुआ है, पहली बार किया गया। और तीसरी बात यह है कि हमारी पुलिस अभी एक क्षेत्र में काम कर रही है कि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, इसको अगर जाना है तेज़ी से तो किस तरह से ट्रैफिक की व्यवस्था की जाए ताकि वो ट्रैफिक में फंस न जाए, और उसके लिए एकदम कॉरिडोर क्लियर करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई VIP आते हैं एयरपोर्ट से राजभवन तक आते हैं तो हम कैसे ट्रैफिक को क्लियर करते निकल जाते हैं, उसी तरह से एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी सर्विसेज के लिए कॉरिडोर कैसे क्लियर रखें, इस पर हमारी पुलिस काम कर रही है। मैं समझता हूँ कि कुछ ही दिन में हम लोग इसमें सफलता प्राप्त करेंगे और आपको मिलेगा कि एम्बुलेंस हो या फायर ब्रिगेड हो या कोई भी इमरजेंसी सर्विस हो तो उसको पूरा ट्रैक क्लियर मिलना चाहिए आगे।